हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यार, अभी का जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, बिल्कुल आपसे बात नहीं हो रही है, या फिर आपके पार्टनर आपके लाइफ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ सिचुएशन सही नहीं आप दोनों के रिश्ते की, तो ये पर्सन आपसे क्या कुछ छुपा रहे हैं, जो कुछ ये शेयर भी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये पर्सन आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी बातें हैं कि ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए। सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है, और जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी को जाने देना है, है ना। तो चलिए देखती हूँ, इंचेस गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। कुछ तो वो बातें हैं जो छुपा रहे हैं डियर, ठीक है, और वो इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए, इंचेस गाइड करेंगे, डिवाइन। देखिए आप लोग, देखिए ये सेज है, ठीक है, सेज से सेजिंग कीजिए घर को, अपने घर को, अपनी फैमिली मेंबर को, निगेटिविटी को, ठीक है। इससे आपको, आपकी फैमिली को, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। निगेटिविटी इससे लेट गो होती है। अपने डार्क साइड पे काम करते हो, मेडिटेशन करते हो, घर में भी पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप सेज देख लो, सेज मंगाकर घर को सेज किया करो, सेजिंग किया करो, खुद को भी करो, ठीक है। आप लोग को भी कर देती हूँ, ठीक है। चलिए आज थोड़ी सी आप लोग को हीलिंग भी दे देती हूँ, ठीक है, जस्ट गाइड करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हीलिंग दे दिया, टाइम बहुत निकल जाता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और सेज को जरूर घर में लाकर अपने आप को सेज करें। अगर मेडिटेशन करते हो तो अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो सेज से, ठीक है। और अपने घर को, अपनी फैमिली मेंबर को, सर से लेकर पांव तक, घर के दरवाजे तक, अपने हर जगह जहां आप बैठते हो, पढ़ते हो, मेडिटेट करते हो, बेडरूम हो, जहां आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अपने मेन डोर पर, हर जगह, चाहे वो बाथरूम वगैरह, कहीं भी आप सेज से, हाथ से ऐसे ऐसे कर आप सेजिंग कर सकते हो। इससे आपके घर में निगेटिविटी नहीं आएगी और प्रोटेक्शन भी मिलेगा एंजल्स का। तो सेज आप मंगा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ, एंजल्स गाइड करेंगे। टोटैलिटी, देखिए आपके पार्टनर पहले ही आ गए, टोटैलिटी का कार्ड, टोटैलिटी का कार्ड फर्स्ट कार्ड में ही आया है। वन और टू और बीच में आपके पार्टनर, यानी कि कोई ना कोई बात है आपके पार्टनर के लाइफ में, कोई है या था, आगे मैं देखती हूँ, क्योंकि दो बंदा है, ठीक है, और एक बंदा को खींच रहा है, ठीक है। चाहे आप बंदी हो सकते हो, आप बंदा हो सकते हो, मेल फीमेल कोई हो सकते हो, जो कहीं ना कहीं ये बंदा खींचा रहा है इस वक्त, ठीक है। इसे समझ में कुछ भी इस वक्त नहीं आ रहा है। द श्योर, क्या श्योर एंजल्स, क्या पॉलिटिक्स, OMG, अबंडेंस। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोला है अब तक, ठीक है। आपके पार्टनर ने अब तक आपसे, हो सकता है, बहुत बातें छुपाई है, झूठ बोला है, चीट किया है, ठीक है। और क्यों किया है डियर, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू रही है, ठीक है। देखिए गिल्ट की एनर्जी आ गई है, कंप्लीशन की एनर्जी आ गई है। देखिए क्या एनर्जी आ रही है, आप देख लो इस बंदे को, क्या इन्होंने बातें छुपाई, गिल्ट माइंड और गिल्ट एक साथ है डियर, क्या बात है। शेयरिंग, चलिए एक कार्ड लेती हूँ और देखती हूँ। बॉटम द डेक से सक्सेस आया है डियर,
देखिए, आपके पार्टनर अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, पॉलिटिक्स खेली है, बातें छुपाई है, आपको धोखा दिया है, तो थर्ड पार्टी इशू रही है। ठीक है, जहां ये कहना चाहते हैं, आपसे बात शेयर करना चाहते हैं, मैंने कहा ना कुछ ये बात शेयर करना चाहते हैं, तो ये पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन अब कंप्लीशन चाहते हैं और आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। देखिए डियर, ऐसा आपके पार्टनर आपसे उन्होंने क्या छुपाया? देखिए, इन्होंने छुपाया कि ये थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे। ठीक है, और हो सकता है कि इस वक्त करेंट में भी थर्ड पार्टी इशू हो, इस पर्सन के पास कोई कोई नया फ्रेंड हो या फिर मैरिड हो। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू थी भी है भी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कहना चाहते हैं कंप्लीशन आप हो, लेकिन ये जो भी है इनके लाइफ में, जो भी रहे हो, वो उनसे सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज की रिलेशनशिप है। ठीक है, और हो सकता है ये करेंट में भी हो डियर, हो सकता है आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो, या फिर आपको धोखा मिला, चीट मिला, और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको मतलब आपको हिम्मत देना चाहते हैं और आपको ये जताना चाहते हैं कि हाँ, पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलती की है, धोखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अलावे, देखिए डियर, ऐसा नहीं कि इस वक्त इस पर्सन के अलावे लाइफ में कोई नहीं है डियर, क्योंकि टोटालिटी भी आया है और यहाँ माइंड डिस्टर्ब और गिल्ट भी। ये पर्सन को अंदर से क्या फील हो रहा है डियर, कि आपके अलावा जो इनके लाइफ में कोई था, या फिर करेंटली भी मुझे लगा कोई है डियर, ठीक है ना, या फिर होते हुए भी कहीं ना कहीं ये कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करें, इस वक्त ये मजबूर हैं और ये कहना चाहते हैं, ये मतलब अपने लाइफ से और उस रिलेशनशिप से, जो भी थर्ड पार्टी है, जो करंट पार्टनर है आपके अलावे डियर, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज का है और प्योर लव आप हो, ये कहना चाहते हैं। आप मतलब उनको पूरा करते हो, आप कंप्लीशन की एनर्जी हो, लेकिन टोटालिटी कहीं ना कहीं ये बंदा अभी इस वक्त दोनों तरफ खिंचा रहा है। अब दिल की बात आपसे ये शेयर करना चाहते हैं जो अब तक इन्होंने आपसे छुपाया। हाँ, इन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, जो भी किया इन्होंने किया। ठीक है, अब इस पर्सन को लग रहा है, देखिए डियर, इस पर्सन को लग रहा है कि किस मुंह से आए, कहीं आप जज ना कर दो, आप इनको इंसल्ट ना कर दो, आप इनको हर्ट ना कर दो, तो ये बंदा गिल्ट से रह नहीं पाएंगे, जबकि आपको लाइफ की सारी खुशियां ये देना चाहते हैं। ऐसा नहीं, इनकी थिंकिंग, इनकी सोच जो है आपको लेकर, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपको सारी खुशियां देनी चाहिए, क्योंकि देखिए चारों पट्टी अवंडेंस की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को कहीं आपने कभी मदद किया हो अवेयरनेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर से गिल्ट है और ये बहुत डिस्टर्ब है ये बंदा। ठीक है, ये बंदा बहुत डिस्टर्ब है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हो, मतलब चारों तरफ से इनके दिमाग में फाइट चल रहा है और इस वजह से ये बंदा गिल्ट है, क्योंकि उन्होंने आपसे चीट किया है, आपको उन्होंने धोखा दिया है, बातें छुपाई है। ठीक है, इन्होंने आपसे बातें छुपाई है, आपके रहते भी उनके लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंड बना है डियर। ठीक है, अब ये आपको फील कर रहे हैं और इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, और ये दिल से आपके तरफ कुछ बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में ये सक्सेस चाहते हैं। देख लो, बैलेंस चाहते हैं, मतलब ये जहां है जैसे है उस रिश्ते में ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एक कॉम्प्रोमाइज वो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, लेकिन आप उनकी सक्सेस हो, ये कहना चाहते हैं। अब चाहते हैं वो आपसे एक नई शुरुआत करना, क्योंकि आप उनके लिए अवेयरनेस हो और आपके लिए सारी खुशियां ये देना चाहते हैं। अब दिल से इन्हें लग रहा है डियर, गिल्ट लग रहा है कि आपसे कुछ बातें कैसे शेयर करूं, लेकिन दस और कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप उनके लिए हो, ये इनको पूरा अंदर से विश्वास है कि आप उनके लिए हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त कंप्लीशन की एनर्जी में नहीं है। ठीक है, अब आपसे मिलकर दिल की बात शेयर कर और कहीं ना कहीं तभी ये अपने आप को हैप्पी महसूस कर पाएंगे और रिश्ते में सक्सेस चाहेंगे। डियर, इस पर्सन को इस वक्त सिर्फ दिल और दिमाग में सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, देखिए, हो सकता है आपका फेथ, आपका विश्वास टूटा है इस पर्सन पर, लेकिन इस वक्त ये पर्सन गिल्ट में है कि आपको उन्होंने चीट किया है। ठीक है, दिल ही दिल में एक अकेलापन है। ठीक है, और ये सफाई भी देना चाहते हैं, शेयरिंग का भी एनर्जी है डियर। ठीक है, ये अब सफाई देना चाहते हैं, मुझे लग रहा है डियर आपको ये बहुत स्पाइक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है अवंडेंस की भी एनर्जी आई है, सक्सेस की भी एनर्जी आई, तो इस पर्सन को लग रहा है डियर कि कहीं ना कहीं आप उनसे अब दूर जा रहे हो। ठीक है ना, आपको पाना मुश्किल है और आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। ठीक है,
और कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी से अपनी दिल की बात शेयर कर रहे हो। मेरे व्यूवर्स, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इनकी बात और अपनी बात किसी से शेयर कर रहे हो, ठीक है, ये भी उन्हें लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है, इन्हें फील हो रहा है कि अब आप उनसे दूर जा रहे हो। इन्हें चाहिए कंप्लीशन, आपसे एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अकेलापन है और वो आपको पाकर फील करना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करें, इस जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी पर्सन है जिनके साथ ये कॉम्प्रोमाइज करें, ये आपको कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि हाँ, मैंने लाइफ में तुम्हें पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपके अलावे भी इनके लाइफ में आए और गए हैं, बट इस वक्त ये कहना चाहते, शेयर करना चाहते, दिल की बात कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है और आप उनके सच्चे प्यार हो, आप उनके लिए अबंडेंस हो, ठीक है। आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि आप ही उनके सच्चे प्यार हो और जब तक वो आपको पा ना ले उनके लाइफ में खुशियां नहीं आएगी, डियर सक्सेस नहीं आएगा। ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए डियर, यहां देखा जाए तो आपने अबंडेंस के नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के लिए 100% दिया। काफी उम्मीदें थी इस पर्सन को लेकर, आपको काफी उम्मीदें थी, आपने बहुत सपने संजोए, बहुत सारी खुशियां देखी इनके साथ, फ्यूचर देखा, फैमिली देखी, बहुत कुछ देखा आपने। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ, चीट हुआ, पॉलिटिक्स हुई, जितना झूठ बोला गया उतना आपसे झूठ बोला भी गया। लेकिन डियर अभी भी ये पर्सन आपसे बातें छुपा रहे हैं। मुझे यहां लग रहा है डियर कि आप लोग, मुझे यहां पे जैसे यहां पे करंट में मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, ठीक है, या ट्रैवल में मिले हो कुछ लोग, मैं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। देखिए ये इनको गिल्ट इस बात का भी है ना डियर कि आप उनको जज ना करो, इनको डर लगता है, आप इनकी इमेज पे कोई डाउट ना करो, ठीक है। इनके अंदर इस बात का भी गिल्ट है क्योंकि ये झूठ इन्होंने बोला है, 100% इन्होंने झूठ बोला है और आपने 100% इस रिश्ते को दिया है, मेंटली फिजिकली हर चीज से सपोर्ट किया और आपने अपने दिल की बात शेयर की है, ठीक है। आपने इनको पूरी तरह अपने दिल की, अपनी फैमिली की, अपने अंदर की भावनाओं की सारी बात इनको शेयर किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, झूठ बोला, चीट किया, धोखा दिया, आपके अलावे भी इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बनाया, ठीक है। लेकिन अब ये इनको पता है, द सियोर की भी एनर्जी है, टोटैलिटी की भी एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, गिल्ट की है, माइंड की है, अवेयरनेस की है और कॉम्प्रोमाइज की है, शेयरिंग की है। लेकिन यहां सक्सेस चाहिए, ये खुद को आपको पाकर पूरा करना चाहते, लेकिन करेंट एनर्जी में पर्सन डिस्टर्ब है और टोटैलिटी कहीं ना कहीं अभी भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो भी पर्सन है, जहां ये बीच में फंसे हुए हैं, एक तरफ आपका सच्चा प्यार खींच रहा है और एक तरफ कॉम्प्रोमाइज, समझ गए, एक तरफ कंप्लीशन और एक तरफ कॉम्प्रोमाइज, ये दोनों खींचा और ये टोटैलिटी की एनर्जी आपके पर्सन बीच में फंसे हुए। लेकिन दिल से ये पर्सन आपसे बात शेयर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत गिल्ट में है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत दुखी है, ये बहुत परेशान है ये पर्सन, ठीक है, इस वक्त। और देखिये यहां पर कहना चाहूंगी कि देखिये हो सकता है कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हो, या फिर दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, फिर भी ये इन्होंने सच्चाई छुपाई, सेटिस्फेक्शन देखो एक नहीं इनको मिल रहा, समझ गए ना बात को, इनकम्प्लीट सा महसूस ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक अकेलापन, और ये किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ आपसे और आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको ये फेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रिश्ते में सक्सेस चाहिए क्योंकि ये पर्सन गिल्ट में है, डिस्टर्ब है, और हो सकता है डियर कि करियर को लेकर भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम चली, जहां सक्सेस इनकी रुक चुकी है, उनको पता है कि सक्सेस रुक चुकी है और इस रिश्ते में ही सक्सेस चाहिए, तभी इनके लाइफ में अबंडेंस आएगा डियर। ये डर से आपसे फेस नहीं कर रहे हैं डियर। देखिए इनके आपकी नजरों में इनकी इमेज खराब हो जाए, आप इनको जज करो, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये खुद को कंट्रोल भी करते हुए नजर आ रहे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत ही पेन में मुझे दिख रहे हैं डियर, बहुत खामोश, साइलेंस की एनर्जी है। लेकिन बहुत इमोशनली देखा जाए तो बहुत इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से अटैच हो, एक अटैचमेंट से आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो,
ये जानबूझकर खुद को कंट्रोल कर। देखिए डियर, यहाँ देखा जाए तो जिस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, एक कमी सी महसूस कर रहे हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, माइंड गिल्ट, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर क्या है, एक कमी है। देखिए डियर, ये पर्सन को देखा जाए तो जो इन्होंने गलती की है, पछतावा तो है डियर, गिल्ट तो है डियर, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली होकर ये बंदा लेट नाइट, पूरी मतलब लेट नाइट जब होती है डियर, ये बंदा कहीं ना कहीं काफी आपके बारे में सोचकर, आपके फोटो को देखकर, आपसे कुछ बातें शेयर कर, ये बंदा कहीं ना कहीं अपने आंखों को ये नम भी करते हैं डियर, ठीक है। ये पर्सन एक कमी सा महसूस करते हैं और आपके फोटो को देखकर भी कुछ ना कुछ शेयर करते हैं डियर, जहां नम इनकी आंखें जो होती है नम हो जाती है, लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं, कुछ हो सकता है उनका लैपटॉप हो, उनकी मोबाइल हो, या कहीं भी आपके फोटो हो, उनको देखना, बात करना, उनसे शेयर करना, खुद को कंप्लीशन मतलब एक खुद को आपसे बात कर पूरा करना, लेकिन फिर भी ये बंदा आपसे बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं डियर, बहुत स्पाइक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ ये पर्सन देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रेयर और प्रार्थना कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। देखिए गलत फहमियां भी हो सकती है आप लोग में, क्योंकि यहाँ पे टोटालिटी की कार्ड है, थर्ड पार्टी इशू है, आपके पार्टनर बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन दिल से ये पर्सन सच्चा प्यार कहा जाता है जिसे, ट्रू लव सच्चा प्यार, क्योंकि देखिए सच्चे प्यार की इम्तिहान होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं, इस वक्त उनके लिए उनके अंदर ट्रू फीलिंग्स मैं देख पा रही, बहुत इमोशनल एक अटैचमेंट सा फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। लेट नाइट ये पर्सन रोता है, लेकिन कहीं ना कहीं डियर ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनके सक्सेस की चाबी आपके हाथ में है, उनके सक्सेस रुक गई है और आप कहीं ना कहीं उनसे दूर जा रहे हो, इस कमी को पूरा करना चाहते हैं, इस अकेलेपन को पूरा करना चाहते हैं। जो भी इस बीच में गलत फहमियां हुई है तो इनको पूरा विश्वास है कि सब कुछ ये ठीक कर देंगे आपसे शेयर कर। जो भी रिश्ता इनके लाइफ में है, जो भी अभी थर्ड पार्टी इशू हो सकती है, वहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए अवेयरनेस हो, सक्सेस हो, कंप्लीशन हो, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए आपके अलावे में तो कोई है डियर, ऐसा तो फील हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते में अब ये पर्सन सक्सेस चाहते, तो इतना आप जान लीजिए डियर, ठीक है, इतना आप जान लीजिए, एक मिनट, तो इतना आप जान लीजिए कि इस रिश्ते में अब गिल्ट है, आप उनको जज ना करें, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, उनको गिल्ट लग रहा है डियर कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, लेकिन दिल से ये शेयर करना चाहते हैं। बहुत मतलब इस पर देखा जाए तो आपको पाने के लिए बहुत प्रेयर और प्रार्थना ये पर्सन कर रहे हैं डियर, बहुत ही प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए इनकी सक्सेस की चाबी भी आप ही हो और ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर, एट नंबर बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं डियर, ठीक है, सिक्स नंबर, फाइव नंबर में ज्यादा ही सिक्स सिक्स की एनर्जी आई है, सिक्स सेवन सिक्स सिक्स की एनर्जी ज्यादा है डियर, एट नंबर और सिक्स नंबर आपके लिए खास हो सकता है। और मैं यहां से क्या वो शेयर करना चाहते हैं डियर, मैं यहां देखना चाहती हूँ उनकी फीलिंग्स, मैं देखना चाहती हूँ क्या वो शेयर करना चाहते हैं। देखिए आपको ये क्या शेयर करना चाहते हैं, आई लव यू जान, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई लव यू जान, दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे, जब तक जिंदा है सिर्फ तुम्ही को चाहेंगे। तो इस वक्त आपके पर्सन कहना चाहते हैं, हो सकता है नो कम्युनिकेशन या फिर आप दोनों में ट्रस्ट इश्यू है, धोखे चीटिंग की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, तो ये आपके पर्सन शेयर करना चाहते हैं आपसे आई लव यू जान, दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे, जब तक जिंदा है सिर्फ तुम्ही को चाहेंगे, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं। द श्योर की भी एनर्जी आई है, ये सिर्फ आपको ही चाहेंगे, कंप्लीशन की भी एनर्जी आई है डियर, तो इस रिश्ते में आपको आप ही को चाहेंगे और आपको ही अपना बनाएंगे, ये आपको भुला नहीं सकते डियर, ये कहना चाहते हैं आई एम नॉट ओके, ठीक है, क्योंकि आपकी याद बहुत आ रही है, ये कहना चाहते हैं, ये खुश नहीं है, ठीक है, ये कह रहे हैं मैं ठीक नहीं हूं क्योंकि मैं आपकी यादों में गला थोड़ा भारी है डियर, डोंट वरी, सॉरी, याद बहुत आ रही है उनको, ठीक है डियर, बहुत ये कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं और आपकी याद बहुत आ रही है, यार भी आपको बोल रहे हैं बहुत याद आ रही है यार, आई मिस यू जान। तो देखिए शेयर यही आपकी बातें करें और मैं देखना चाहती हूं कि आप क्या कह रहे हो,
अपने पार्टनर से आप उनको क्या कहना चाहते हो, आपकी दिल की बात क्या है। देखिए आप अपने पर्सन को क्या मैसेज दे रहे हो, एक तुम ही हो जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता है, ये आप अपने पर्सन से कह रहे हो। देखिए मैंने कहा ना इमोशनली आप दोनों में अटैचमेंट बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग्स है, तो आप भी अपने पर्सन से कह रहे हो एक तुम ही हो जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता है। एक कार्ड और ले लेती हूँ डियर, आप क्या कह रहे हो, और दो कार्ड उसमें से लिया। आई लव यू जान, आप भी उनको कह रहे हो यहाँ पे, मतलब दोनों का अटैचमेंट जो देख रही थी बराबर था इस एनर्जी में भी। तो तुम्हारी कसम मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, या मेल हो फीमेल हो डियर, ठीक है, तुम्हारी कसम तुम्हें खोने से डरता हूँ क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, या आप कह रहे हो आई लव यू जान, तो आपको खोने का भी डर है इस पर्सन को, ठीक है, और उनको देखकर ही आपको सुकून मिलता है, चाहे आप उनसे बात करते हो, उनको देखते हो, उनको फील करते हो, उनकी आवाज सुनते हो, तो आपको उनको देखकर भी सुकून मिलता है, और कहीं ना कहीं आपको मतलब आप कसम खा सकते हो कि आप उनको खो नहीं सकते हो, आपको डर लगता है कि वो आपसे दूर ना चले जाएं। तो कहीं ना कहीं बहुत दोनों मिरर करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन देखिए ये पर्सन डिस्टर्ब बहुत है, तो यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं और आपको समझाना चाहते हैं और दिल की बात ये शेयर भी करना चाहते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं। डियर गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।